हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वेबिनार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। देखते हैं और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस में साथ लेके आया हूँ। इस जो वीडियो होगा, ये वीडियो में मैं आपको मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि शिफ्ट वन और मैथ और शिफ्ट टू में आया है। ठीक है, मैथ्स का जो आया है क्वेश्चन उसको मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपके सामने शिफ्ट वन में जो आया एग्जाम जो हुआ है 12 अक्टूबर का शिफ्ट वाले में उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो पेपर बहुत इजी आ रहा है, ठीक है, पेपर बहुत इजी आ रहा है। इससे आप जज कर सकते हैं कि पेपर में आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई कोई तो बता रहे 90 से 92 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है x-2y=3 और एक्स वाई दिया हुआ है आपके सामने 5। आपको निकालना है क्या, x² - 4y² का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, x-2y=3। तो आप इसको अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं, अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग इसको बाय पुटिंग ही एक बार टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि 5 का यहाँ पे है, एक्स का वैल्यू 5 लेके और वाई का वैल्यू 1 लेके, ये हो सकता है क्या? यहाँ पे देखिए, एक्स का वैल्यू 5 ले लिए, वाई का वैल्यू 1 ले लिए, इसी तरीके से यहाँ पे 5 लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो 2 आ जाएगा। मतलब एक्स का वैल्यू 5 सेटिस्फाई कर गया, वाई का वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, अब पुट कर देंगे तो x² का वैल्यू 25 - 4y² - 4 तो आ जाएगा आपका 21 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा से, क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। मींस ट्रिग्नोमेट्री से आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और अलजेब्रा से भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसी तरीके से कंपोनेंडो और डिविडेंडो का भी आया है कुछ क्वेश्चन। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये 8 दिया हुआ था। निकालना था आपको कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा। ठीक है, कॉट थीटा क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो का फॉर्मूला से बन जाएगा। मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो कैसे बनाएंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ऊपर में प्लस हो जाएगा, क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, या माइनस हो जाएगा तो माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ क्या है, 8/1 है, तो कैसे होगा, 8/1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8+1, ठीक है, 8+1/8-1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से भी साइन थीटा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 2 cos θ / 2 sin θ आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 और यहाँ पे 7। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन और देख लेते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो मैं आपको डिस्कस करते जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे ऐसे तो मजाक वाले क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल में आपको क्या दे दिया गया है, ये 12 दे दिया है, यहाँ पे 15 दे दिया है। आपको इसका ब्रेड्थ निकालना है, नहीं आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया मतलब पहले आप ब्रेड्स निकालिएगा, क्या ब्रेड्स निकालिएगा, कैसे, ये 90 डिग्री से निकालिएगा। ये देखिए ट्रिपलेट है, 12, 15 और क्या 9, यहाँ हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब 12 × 9 कितना आ जाएगा, 12 × 9 108। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ कुछ टफ क्वेश्चंस भी आए हैं, टफ क्वेश्चंस में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक मिड पॉइंट थ्योरम से क्वेश्चन आया था, देखिए ये सर ट्रायंगल दे दिया गया था ABC, यहाँ पे पॉइंट ले लिया गया था MN, यहाँ पे L का MN से
एम से एल एन का जो रेशियो दिया हुआ था वो दिया था 1:2। आपसे क्या पूछ दिया था, आपसे बीसी का वैल्यू पूछ दिया था, बीसी के क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे एम एम दे दिया गया था, एम एल है 3, एम एल क्या है, एम एल है 3 दे दिया गया था, ठीक है। तो आपको निकालना था यहाँ पे बीसी निकालना था, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 का वैल्यू क्या दे दिया है 3, और यहाँ पे टोटल एम एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 3 है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो हो जाएगा एम एल का वो हो जाएगा 9। तो मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हैं बीसी का क्या वैल्यू हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे बीसी का क्या आ जाएगा, 18 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आए थे आपके एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, बता दे रहा हूँ मैं। जैसे ए और बी का एज का रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, और इसका डिफरेंस दिया हुआ आपके सामने, डिफरेंस दिया हुआ कितना 24 इयर्स, और पूछा गया था ए का एज निकालना है आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स ए का एज निकालना है, ठीक है, ए का एज निकालना है आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, देखिए डिफरेंस दिया हुआ 24, तो 1 का वैल्यू क्या हो गया 24, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू 3 है, तो 24 × 3 मतलब 72 हो गया, ठीक है। और ए का एज आफ्टर 3 इयर्स पूछा गया है, 3 इयर्स कितना हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स, तो कितना हो जाएगा 75 इयर्स। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस है, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप लोग अपना अटेम्प्ट कितना आप अटेम्प्ट किए थे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, कितना अटेम्प्ट किए थे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ क्वेश्चन आए हैं। जैसे 216 रुपये ट्रेडर है, 216 का कोई प्रोडक्ट बेचता है, उसको 10% का लॉस होता है, 10% का लॉस होता है, आपको बताना है सीपी क्या होगा, ठीक है। 10% मतलब क्या है, 1/10 होता है, तो 10 पे एक लॉस हुआ मतलब क्या, 9, मतलब 9 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 216, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 216/9, और 10 का कितना वैल्यू हो जाएगा 216/9/10, यानी 9 × 2 = 18 और 9×4 = 36, तो 240 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दिया हुआ था 6300 को डिवाइड किया गया है, ए और बी का रेशियो दे दिया गया है आपके सामने 5:7, और यहाँ पे दे दिया गया है क्या, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 8:9। कोई प्रोडक्ट को डिवाइड किया गया है, उसमें रेशियो दिया हुआ है ए और बी का रेशियो, और उसमें बी और सी का वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पे ए बी और सी, तो बी का कितना वैल्यू होगा, बी का कितना वैल्यू होगा वही निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 5:7 और यहाँ पे 8 है, तो क्या करेंगे, पहले रेशियो निकाल लेते हैं ए बी और सी का, तो कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 8×5 = 40, ठीक है, 7×8 = 56 और यहाँ पे 9×7 = 63, ठीक है। तो आपको बी का वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 56 से मल्टीप्लाई करके आप तीनों को ऐड कर लीजिए, 9, 6 और 4 = 10, 159 हो जाएगा, और 6300 से डिवाइड कर दीजिए, ये बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ मैं ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ज्योमेट्री के भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं देखने को मिला है हमने ज्योमेट्री का, वो ज्यादा वास्ट मेथड से नहीं सॉल्व होगा, वो इजी मेथड में ही लगेगा। जैसे कि एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल दिया हुआ, इसमें दो कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ए ओ बी है और यहाँ सी ओ डी है, ठीक है,
इसका दे दिया है 9 सेंटीमीटर है, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, मतलब ओडी का वैल्यू फाइंड करना था, ओडी का वैल्यू कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें कॉर्ड इंटरसेप्ट फॉर्मूला में क्या बताए थे हम, ए ओ मल्टीप्लाई ओ बी इक्वल्स टू सी ओ इंटू ओ डी, तो क्या हो जाएगा 9 × 4 इक्वल्स टू सी ओ कितना है 6 × OD कितना हो जाएगा, ओडी निकालना है, तो क्या हो जाएगा जब इसको करिएगा तो 9 × 4 / 6 2 × 2 2 × 3 3 × 3, मतलब ओडी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरीके से कुछ ज्योमेट्री के सर्कल के क्वेश्चंस है, क्या दे दिया था, जैसे एक सर्कल में फिगर ऐसे दिया हुआ था, ठीक है, फिगर यहाँ पे, यहाँ वो सेंटर था, वो सेंटर था, यहाँ पे 105 डिग्री फॉर्म हो रहा था, ठीक है 105 डिग्री फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पे कितना फॉर्म होगा, मीन्स यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है वो सेंटर है, जिसके सर्कम यानी कि सर्कम सेंटर पे यानी सर्कम स्फेरेंस पे ये एंगल ए फॉर्म हो रहा था, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 105 डिग्री / 2, तो कितना हो जाएगा 52.5 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन है, 7200 में एक ट्रेडर्स है जिसको कितना का 125% का प्रॉफिट होता है, मींस 125% का कुछ ऑब्जेक्ट बेचा है, मींस कोई सेलिंग प्राइस है, क्या है उसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7200, इसमें आपको बताना है 130% का, मींस 130% में बेचे तो उसका प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो 7200 जो है यहाँ 125 का वैल्यू है, तो 130 का क्या वैल्यू है। ठीक है, ये था सारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ अलजेब्रा के भी क्वेश्चंस, जैसे अलजेब्रा में दिया हुआ था ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था 18, ठीक है ए प्लस सी 18 दिया हुआ था, ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है 107, तो आपको निकालना है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC कितना होगा। ठीक है, तो ए प्लस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और माइनस 3 ABC का यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाल पाएंगे आप लोग, यहाँ फॉर्मूला होता है ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB BC और सी, ठीक है तो यहाँ पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना दे दिया 18 दे दिया हुआ है, ए प्लस बी का स्क्वायर है 18² माइनस 3 × 107, तो कितना आ जाएगा 18 × 324 माइनस यहाँ 321 आ जाएगा, तो 18 × क्या हो जाएगा 321 में से 3 सब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये थे क्वेश्चंस आपके, मैं आपको फर्स्ट सेट का सारा कुछ बता दिया हूँ, और एक प्रिंसिपल यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट सेट में, वो भी बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे दिया हुआ था प्रिंसिपल दिया हुआ था आपके सामने 35,000, ठीक है अमाउंट दिया हुआ था आपके सामने 4,500, आपसे पूछा हुआ था कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है कितना समय में ये हो जाएगा, ठीक है कितना टाइम लगेगा, मतलब अमाउंट मतलब ये, और ये सिंपल इंटरेस्ट में है, सिंपल इंटरेस्ट में कोई है उसमें प्रिंसिपल है आपका 35,000, अमाउंट है 45,000, 10% का रेट दिया हुआ है, तो
तो कितना समय लगेगा प्रिंसिपल को अमाउंट तक जाने में, मींस प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? 3500 हो जाएगा, 10% का रेट है, मतलब 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3500, और यहाँ पे जो यहाँ 45,000 होगा काट देंगे, यहाँ पे 57 जा और यहाँ 59 जा, तो हो जाएगा यहाँ पे 7 4 2 by 7, तो देखिएगा जो वैल्यू आएगा 90/7, यही तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक, एक मैक्सिमा और मिनिमा का भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन आया था, क्या था? 8 cosec² a + 25 sin² a। ठीक है, इसमें पूछा था इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसका क्या होगा, इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा था क्या मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 2√ab, a जो यहाँ पे टर्म है और यहाँ पे टर्म, 2√ क्या होगा, 8 × 200। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था, क्या था, डिविजिबिलिटी रूल से आया था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, मतलब कि टर्म दे दिया गया था 5 2x 6 4 6 4 9 6 4। ठीक है, इसमें क्या था, x का वैल्यू पूछा हुआ था और ये जो नंबर था ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कैसे निकालेंगे, ये जो टर्म आ रहा है यानी कि जो जो टर्म है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि ऑड प्लेसेस में और इवन प्लेसेस में भी ऐड कर देंगे, जो टर्म आएगा वो आपका 11 से डिविजिबल हो या 11 का मल्टीपल हो, ठीक है, या जीरो भी हो। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये थे सारे आपके फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे आज 12 अक्टूबर को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। ठीक है, इसके बाद सेकंड शिफ्ट का मैं डिस्कस कर लेता हूँ, सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट में जैसा पैटर्न चल रहा है सेम उसी पैटर्न में आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, सेम उसी पैटर्न, तो शिफ्ट नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। सेकंड शिफ्ट में देखिए क्वेश्चन जो आया था वो इजी आया था, जैसे tan 60° - tan 15° divided by 1 + tan 60° or .tan 15°। ये tan a plus a minus b का direct concept है ये, तो direct answer क्या हो जाएगा, tan 60° minus 15°, तो directly क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका tan 45°, मतलब one answer। इसके बाद आपसे पूछा हुआ था लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया गया था 5:2। ठीक है, आपसे पूछा गया था पेरिमीटर बताइए, ये लेंथ और ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया था 5:2, पेरिमीटर दे दिया है आपसे 238। ठीक है, आपको क्या बताना था, एरिया क्या होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, एरिया क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ ये हो गया, तो पेरिमीटर क्या होता है, 2l + b, यहाँ पे 2 5 + 2 कितना होगा, 7x। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है, 238, मतलब 7x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 119, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 और यहाँ 14। ठीक है, तो x का वैल्यू 14 आ जाएगा, मतलब और यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, 5 × 2 × 14, मतलब 140। ठीक है, अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, अलजेब्रा पहले देख लेते हैं, क्योंकि अलजेब्रा के कुछ ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, जैसे x³ + y³ + z³
इक्वल्स टू 75, एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ था 15 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 10 दिया हुआ था। आपको निकालना था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड दे दिया है, फॉर्मूला में पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से रिमाइंडर पूछा था, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आया था, रिमाइंडर थ्योरम से पूछा था, ये क्वेश्चन दे दिया था 77 टू द पावर 77 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 78। ठीक है, 77 टू द पावर 77 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 78, रिमाइंडर कितना होगा, 78 से पहले डिवाइड करेंगे तो माइनस वन होगा और 78 से इसको 77 को डिवाइड करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, मतलब माइनस टू हो जाएगा, मतलब 78 माइनस टू कर देंगे तो यहाँ 76 आपका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर में। ठीक है, अलजेब्रा के एक और क्वेश्चन आया था, ए प्लस बी दिया हुआ था आपका 11, ए बी दिया हुआ था 15, आपको निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। ये तो डायरेक्टली निकल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 11 दिया हो तो 121 माइनस 2 इंटू ए बी, मतलब ए बी कितना है 15 माइनस 30। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 और 90। ये आज अलजेब्रा का मैंने बता दिया, कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, ज्योमेट्री का क्वेश्चन कुछ बता देता हूँ। ज्योमेट्री में फर्स्ट क्वेश्चन आया था, इसमें क्या पूछा था आपसे, ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल दे दिया गया था ए बी सी, ठीक है, जिसमें ये दो साइड बराबर थे। ठीक है, आपसे पूछ दिया था ये एक इसका जो साइड का इसका लेंथ है आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड दे दिया था 10 सेंटीमीटर का, आपसे ये हाइट पूछ लिया था। कैसे निकालेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो 90 डिग्री फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, जब आधा आधा बराबर पार्ट जब इक्वल है तो 8 और 8 हो जाएगा, ये इक्वल होके तो 10 8 और क्या होगा 10 8 और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो हाइट का वैल्यू आ जाएगा 6, ट्रिपलेट है ये लोग। ठीक है, उसके बाद एक ट्राइंगल आया था, ट्राइंगल में जी सेंट्रोइड था, मतलब यहाँ से एक पॉइंट से वर्टिसेस से पॉइंट गया, ये ए बी सी ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल जो फॉर्म किया है ये आपका एम एल, आपसे पूछा हुआ था एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एल जी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एल जी होता है वो डायरेक्टली क्या होता है 1/12 होता है, मतलब ये ए वन पार्ट है और इस ट्राइंगल में क्या कौन सा 12 ट्राइंगल हो सकता है, तो एरिया यानी कि रेशियो क्या होगा 1:12 आ जाएगा। इसके बाद जो प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन आया था, मीन्स पर जो फर्स्ट सेट में क्वेश्चन देखने को मिला था उसी टाइप का आपको सेकंड सेट में क्वेश्चन आया था, कॉर्ड से रिलेटेड, मीन्स दो कॉर्ड बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, यहाँ पे ए बी बी, यहाँ पे दिया हुआ सी बी और ये डी। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ लेंथ दे दिया है, जैसे यहाँ पे 15 दे दिया, बीपी 9 दे दिया है, यहाँ पे 9 दे दिया, तो पीसी क्या होगा ये निकालना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। इसके बाद मैं आपको बता दूं एक सर्कल का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे एक सेंटर ओ से जो पॉइंट है, यहाँ एम और एन है, ये जो पॉइंट है ये आर रेडियस है। ठीक है, आपसे कुछ दिया गया था, एरिया दिया था, इसका
एरिया एम ओ एल का, ये छोटे वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया दे दिया था 36, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, आपसे दे दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल एम ओ एल का वैल्यू 36, आपसे पूरे सर्कल का एरिया पूछा था, सर्कल का पूरा एरिया कितना होगा, ठीक है, ये पूछा था। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया में दे दिया है तो क्या हुआ है, ये 90 डिग्री हुआ तो बेस हो गया ही, और ये क्या हुआ, हाइट हुआ, तो क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, क्या होता है एरिया होता है, ठीक है, छोटे ट्रायंगल का, तो कितना दिया हुआ है 36, और बेस कितना है, बेस है आर, हाइट भी कितना है आर है, और 1/2 इनटू आर बाई आर, तो क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर का वैल्यू 36 इनटू 2 कितना होगा 72, ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू आ गया है तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 72, आंसर कितना हो जाएगा 72 पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3600 को डिवाइड किया जाता है, रेशियो दिया हुआ है एच टू बी 1.5:2 और B:C है 2:2.5, ठीक है, तो क्या करना है, तो देखिए 2 यहाँ 0.5 है, यहाँ 2.5 है, दोनों को डबल डबल कर दीजिए, मतलब कितना आ जाएगा A:B:C 3:4 और यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, इसमें पूछेगा C का वैल्यू पूछा है, C का वैल्यू पूछा है तो कैसे निकालेंगे, 5/4 और 3 कितना 7, और 7 5 12 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, तो कितना आ जाएगा 12 × 3 5 × 3 कितना आ जाएगा 1500। इसके बाद कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी आए थे तो मैं उन्हें को डिस्कस कर लेता हूँ, अर्थमेटिक के क्वेश्चन, सीट टू में अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे, मींस स्पीड को क्या किया जाता है, स्पीड को 40 से 30 डिक्रीज कर दिया जाता है, तो टाइम टाइम कितना इंक्रीज करना होगा, टाइम कितना इंक्रीज करना होगा, तो देखिए स्पीड का रेशियो क्या है 4:3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, तो मतलब कितना बड़ा है, वन में कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, 1 का बड़ा है किसमें, 3 में बड़ा है, कितना हो जाएगा 33 1/3%, मतलब 33 1/3% टाइम बढ़ाना होगा। इसके बाद एक आया था कि मतलब 18 घंटे में 12 वर्कर 8 दिन काम करते हैं, तो इसमें पूछा गया था, तो 8 जैसे था 18% 12 दिन मतलब 12 डेज में आप डेली क्या करते हैं 8 घंटे काम करते हैं, मतलब 18% 12 दिन में 8 आवर्स डेली काम करते हैं, तो आपको दिया हुआ था 18% 18 डेज में कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा, तो क्या करेंगे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 6 × 2 6 × 3 और 3 × 6 मतलब जो आंसर आ जाएगा आवर में वो 12 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दिया था क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, 2500 का कोई ऑब्जेक्ट सेल करने पे कितना का है 20% का लॉस होता है, तो आपको बताना है कितना 30% का लॉस कब होगा जब ऑब्जेक्ट कितना में सेल होगा, मतलब क्या 2500 का वैल्यू क्या है 80% का वैल्यू है 2500, तो 30% का लॉस है मतलब 70% का वैल्यू कितना है, कितना आ जाएगा 25/8, ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 25 × 17500/8। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसे एक क्वेश्चन आया है टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 और टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू 3, या लिखा हुआ था थीटा लाइज बिटवीन 0° to 90°, ठीक है, इसमें वैल्यू निकालना था आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी का, तो
डायरेक्टली निकाल सकते हैं ए प्लस बी का क्या वैल्यू होगा यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है, और ए माइनस बी का वैल्यू होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो ए और बी का दो इक्वेशन बन गया, ए प्लस बी 45 डिग्री और ए माइनस बी 60 डिग्री बन गया, ठीक है, दो इक्वेशन बन गया। अब दो इक्वेशन से ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये थे सारे क्वेश्चन, मैंने आपको डिस्कस कर दिया फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।